गैस बढ़ रही थी और उसका हमने जांचें वगैरह करवाते रहे, जांचें करवाया, बहुत करवाते रहे, मगर कोई निदान नहीं निकला। फिर डॉक्टर एक सोनी करके हैं अपने वहाँ पे, उनने बताया तुम इंडोस्कापी करवाओ। इंडोस्कापी करवाने के बाद उसमें मेरी जो आँख की 32 फुट की आँख नली है, उस नली में एक इतना बड़ा फोड़ा हो गया और वो हमारे पकड़ में नहीं आ रहा था। कहीं से कहीं फांस छुटवाओ, तुम जी दवाई करवाओ, जी करवाओ, वो करवाओ, कोई निदान नहीं। वो फोड़ा में, तो उस फोड़े में मेरे को बताया कैंसर। उसकी हमने बांप जांच के लिए भेजा बॉम्बे, उसका कटिंग निकलवा के बॉम्बे बायोप्सी वो करवाया, तो उसमें मेरे को कैंसर बताया। तो मैं आपके लिए बताऊँ ना कि डॉक्टर सोनी के यहाँ मैं ऑपरेशन के लिए जा रहा था, हम और ये दोनों जन आने बिल्कुल पूरी तैयारी से डॉक्टर सोनी के यहाँ पे मैं ऑपरेशन के लिए जा रहा था। रात में हमें सोते हुए जे मेरे को पारसनाथ भगवान का, मंजू दीदी के यहाँ पे मेरे को मंदिर दिखा। तो हम दोनों जनों ने रोंगटे खड़े हो गए हमारे। हम बताएं आपके लिए कि रात में हमारे को सपने में जैसे ही आया, तो हमने चलो अपन सुबह ऑपरेशन वहीं की वहीं चलेंगे अपन ऑपरेशन। हम आते रहते थे यानी यहाँ पर दीदी के यहाँ पे आते रहते थे, पर हमारे को ये ऐसा कुछ नहीं था। तो सीधा ने हम सीधे यहाँ पे आए और दीदी को हमने रिपोर्ट बताई। हमने दीदी ऐसी ऐसी बात है और हम ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं और डॉक्टर सोनी के यहाँ पे जा रहे हैं। दीदी कहने लगी नहीं जरा रुको। हमने कहा पहले तो भगवान के अच्छे दर्शन करवाया, बैठा के जाप दिलवाई। कहने लगे अपन डॉक्टर अजय मेहता के यहाँ पे एक दफे अपन चेक करवाते हैं। किस्मत की बात उस दिन दीदी का ड्राइवर नहीं था, बड़ी गाड़ी रखी थी बोलेरो गाड़ी यहाँ पे। हमने छोटी गाड़ी तो चलाई, बड़ी गाड़ी नहीं चलाई। दीदी ने चाबी मेरे को दिया, कहने लगे चलो भैया चलो, तुम जो कुछ होगा देखा जाएगा, अपन साथ में चलते हैं। दीदी हम और जी तीन जन हमने गाड़ी निकाली और चले गए अजय मेहता के यहाँ। फर्स्ट टाइम मैंने गाड़ी चलाई वो बड़ी वाली गाड़ी। हमने और कभी आने छोटी गाड़ी तो चलाते रहते, मगर बड़ी गाड़ी जो पहली दफे चलाई गए। वहाँ पे हमने डॉक्टर साहब से बात किया और डॉक्टर साहब कहने लगे इमीडिएटली आप भर्ती। हमने डॉक्टर साहब ऐसा कैसे, कहने लगे बस तुम तो आज ऐसे इतवार के दिन था शायद, में सोमवार का दिन था, शनिवार का दिन था। कहने लगे शनिवार का दिन है तुम आज भर्ती हो जाओ नहीं तो कल। हमने डॉक्टर साहब पैसा ही सर कितना दिया, तुम उसमें कोई टेंशन नहीं लो, तो सब बिल्कुल आशीर्वाद रख दिया। और हमारा वहाँ पे 10 दिन का उन्होंने कोटा रखा, वहाँ पे ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन में दीदी साथ में रही, दीदी और डॉक्टर साहब और ऑपरेशन करते रहे। दीदी के लिए मालूम है कि हमारे मुंह में से क्या निकला है, आह और दर्द नाम की चीज़ नहीं निकली, आय और दर्द नाम की आ और जे वो कुछ नहीं। दीदी के लिए सामने मालूम है कि उस पीरियड में हमारी नस कटती थी तो हमारे मुंह में से सिर्फ ओम निकलता था। दीदी है अब साक्षी है, हम बोलना झूठ का बगाम नहीं, दीदी खुद साक्षी है इस बात की कि यहाँ पे ऐसे करके पूरा ऑपरेशन देखा दीदी ने, हमारा कैसा ऑपरेशन हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और उस दिन से भक्तांबर पे ऐसी श्रद्धा भाई कि आज हम 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए, ना तो हमारे को कोई तकलीफ और ना आज तक दवाई। और उस दिन से दीदी ने मेरे को एक यंत्र दिया भक्तांबर का, जिसका हम जूना मंदिर में अभी यंत्र रखा है, जिसका हम अभिषेक करते हैं, आपके लिए खुद मालूम है, अभिषेक करते हैं
और इसके अलावा वहाँ पर पूजन करते हैं उसका और गंधोदक लेते हैं लगाते हैं और 50 दिनों के लिए अपन ने उस चीज़ के लिए बताया और सबके लिए आराम लगा। एक और अभी प्रत्यक्ष उदाहरण में अभी का बता दूँ, उसको प्रीतम प्रीतम करके है, उसकी अदर कास्ट का है प्रीतम, वो उसके लिए मालूम पड़ा कि इनका ऑपरेशन हुआ था तो हमने अजय मेहता की यहाँ बिल वाकिल है, हमने डॉक्टर साहब इसकी बहन का प्रीतम की बहन का ऐसी ऐसी बात हो, लास्ट स्टेज पे उसका भी ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद और आज उसके लिए भी 6 महीना हो गए और लास्ट स्टेज पे चल रहा था, उसके लिए भी भक्तांबर का हमने वो पाठ बताया, ये मंत्र बताया, एक ये मंत्र आनंद ओम नमो ओम ह्रीम क्लीम अरहम श्री विश्वनाथ तीर्थंकरणम, ओम ह्रीम क्लीम अरहम श्री विश्वनाथ तीर्थंकरणम, उसके लिए हमने दिया और ओम बोलते रहो। उसने अपने घर पे जब वो सोती है उसके बिल्कुल सामने में ऐसा उसने ओम बनवा के रख लिया, अदर कास्ट का है और उसका बेनिफिट उसके लिए ऐसा मिला कि आज वो चल फिर रही है। एक और मैं आपके लिए प्रत्यक्ष उदाहरण बता, एक तिवारी करके हमारा मित्र है, उसकी गांधीबाग में दुकान थी, जो गांधीबाग वाली हमने दुकान लिया था ना गांधीबाग में, बिल्कुल आने हताश हो गया था उस, वो कहने लगा कि यार बताओ यार जैन साहब यार क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, हमने यार देखो यार एक जी मंत्र है हमारे को मंत्र मंजू दीदी ने दिया और हम इसका प्रैक्टिकल मैं खुद हूँ तो मेरे को इसमें समाधान मिला है और आगे मिलता रहेगा, तो भी कहने लगे कि यार बताओ कैसे करना चाहिए, हमने उसके लिए लिख के दिया वो मंत्र, उसका मंत्र के प्रभाव से भक्तांबर की मंत्र के प्रभाव से आज भी अभी मैं फोन लगाता अभी और उसके मुंह से सुनो, उससे मुंह से सुनो कि हमारा कितना बढ़िया काम हुआ, उसकी तत्काल दुकान बिक गई, फिर इसके बाद उसने मकान बनवाया, दक्षिणमुखी मकान था उसका, 10 लाख रुपए का मकान बना था, उसने 47 लाख रुपए में मकान बेचा और दूसरी जगह जान के उसने मकान ले लिया। तो भक्तांबर की इतनी बड़ी महिमा है और तो मंत्र में इतनी बड़ी शक्ति है तो कोई नहीं, एक नमोकार मंत्र और एक भक्तांबर आने, इन दोनों के लिए यदि अपन बीच में ऐसा रख दो ना तो कौन आने एक तरफ आने समझ की तरफ कोई इसके लिए कट नहीं कर सकता, आने दो ही पहलू बराबर चलेंगे तराजू के, एक एक तरफ भक्तांबर रख दो एक तरफ नमोकार मंत्र दे तो ये तराजू में बिल्कुल ऐसे ऐसे चलेंगे, कहीं भी ट्रेन में कहीं भी रहे और पूरा याद हमारे को हो गया, वैसे हम पुस्तक भी रखते हैं और ये मंदिर भी हमारे जब भी रहे कहीं पे भी रहे, चाहे इसमें आने समझ के चलो कि ट्रेन में हो ट्रेन में नहा लेंगे हम नहा के और हम जैसे अपने 2 दिन की ट्रेन है तो नहा लेंगे ट्रेन में मक्का का ले जाके नहा धो के फुर्सत हो जाएंगे आने के, फिर इसके बाद में हम कुछ खाएंगे